गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। आई होप यू गाइस ऑल गुड। तो अभी की ट्रिप हो रही है मेरी, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त को मिलने। आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा जावेद छेप को, उन्होंने क्या कर दिया, अपनी दुकान खोल दिया। दुकान कैसे खोल दी, मतलब वही स्ट्रीट फूड टाइप खोल दिया उन्होंने, फूड वैन जिसे बोलते हैं, उन्होंने खोल दिया है फूड वैन। तो मैं जा रहा हूँ उनको मिलने। प्रदीप भाई जा रखे हैं देहरादून, वो आएंगे अभी थोड़ी लेट, मेरी अभी उनसे बात हुई थी, वो अभी कह रहे थे कि देहरादून जा रहा हूँ थोड़ी गाड़ी वगैरह पे काम करवाने। तो आप लोग कैसे हैं, तो कमेंट करके तो तुम बताते नहीं हो कि वीडियो कैसी लगी। लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए करो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आपका अपना प्यार ऐसे बना के रखें ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे वीडियो को कंटिन्यू रखने की। ये सामने एलन स्कूल है, वो सारे सुंदर नज़ारे हैं। अभी मैं चल रहा हूँ न्यूट्रल, गाड़ी करके मैं न्यूट्रल। तो अभी का शॉर्ट ट्रिप है, ज़्यादा नहीं है, लंबी शॉर्ट ट्रिप ही है। बहुत दिन हो गए, मैंने कहा मिले नहीं जावेद से, अच्छा मिल भी लेते हैं और पूछ भी लेंगे उनको कैसा कैसा चल रहा है काम धाम हर एक चीज़। काफ़ी दिनों के मिले नहीं ना। आजकल क्या कर रखा है इन्होंने, जो मैं रास्ता दिखाऊंगा अभी आपको, दूसरा वाला रास्ता मसूरी में चल रहा है, काम ही काम, बस जहाँ ना कहाँ देखो गड्ढे खोदे हुए बस। अभी मैंने माइक सेट किया है, मतलब ऐसे ही है, जो मैंने मंगाया था वो तो नहीं चल रहा, मोटो ब्लॉगिंग के लिए वो होता ही नहीं बेसिकली, मैं ऐसे मंगा दिया उसे। ये वाला रास्ता है जो शॉर्टकट पड़ता है, ये कर रखा उन्होंने बंद। तो अभी मैं पहुंचने वाला हूं बड़े बैंड पे, जहां पे भोलेनाथ का मंदिर है। बेसिकली मैं दिखाऊंगा अभी आपको, अगर दिखेगा जाते समय, क्योंकि जब भी नीचे है तो नहीं दिखेगा। और ये रहा सामने देहरादून, आज थोड़ी कोहरा लगा हुआ इसलिए साफ नहीं दिख रहा, रात को जरूर, और रात को तो ऐसे जगमगाता है ये। आपने तो कई बार देखा है मेरी वीडियो में, अगर आप कंटिन्यू मतलब व्यूअर हो मेरे। कोहरा सामने जेपी, वो वाला हमारा जेपी जहाँ मैं काम करके छोड़ चुका हूँ, वहाँ मैंने किया था 3 साल काम, वो देख लो एवेंजर के हाल, पहाड़ों में ऐसे होते हैं, क्योंकि लंबी गाड़ी तो लंबा टर्न चाहिए, कोई कहीं पे भी मोड़ देता है इधर। ये रहा बेसिकली, मत पहले नहीं था यहाँ पे, यहाँ पे कंटिन्यूसली एक्सीडेंट होते थे, तो इस चक्कर में उन्होंने बनाया है, तो तब से थोड़ी कंट्रोल में है, नहीं होते एक्सीडेंट वगैरह। आज हवा ज़्यादा चली, मेरे को इतना पता नहीं कि अभी माइक पे आवाज़ कैसे आ रही है, आप ही लोगों को मालूम होगा कैसे आ रही, क्योंकि मैंने कल रात ही ऐसे सेट किया। अभी मैं मंगाऊंगा माउनो का मंगाऊंगा माइक, जो बेसिकली मोटो ब्लॉगिंग के लिए होता है, गोप्रो वगैरह फ़ोन पे लगता है, वो वाला माइक दिखाऊंगा। और जो मैंने माइक लिया है ग्रेनेरो का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसकी अनबॉक्सिंग आप ही लोगों के साथ करूंगा। तो बेसिकली मैंने उसका रिव्यू देखा है, माइक अच्छा है, नॉट बैड माइक, तो बहुत प्यारा है, बट मोटो ब्लॉगिंग का पर्पज़ का नहीं है, क्योंकि वो इंटरव्यू जैसे आपने वो करवाना है, क्या कहते हैं उसे, ब्रॉडकास्ट होती है, उसके लिए बैठ रहे हो, मोटो ब्लॉगिंग के लिए नहीं है। अगर कोई भाई सोच रहा हो ग्रेनेरो का माइक लेता हूँ मोटो ब्लॉगिंग के लिए, तो मेरे हिसाब से ना ही ले, क्योंकि उसकी मैंने देख ली, उसकी जो क्या कहते हैं उसे, उसमें 3 मोड होते हैं नॉइज़ कैंसिलेशन के, मैं साथ तीनों के तीनों यूज कर चुका हूँ, बट नहीं है काम कर दिए। अभी मैं पहुँच चुका हूँ किंग रेट में, और यहाँ पर भोलेनाथ का मंदिर है, सोमनाथ शिव मंदिर का। अभी करते हैं गाड़ी को स्टार्ट, सेल्फ भी काम नहीं कर रहा गाड़ी का, गाड़ी पे भी काम कराना है।
अभी पता चलेगा विंड ब्लास्ट आ रही नहीं आ रही है। तो गाइस अभी पहुंचने वाला हूं मैं जेपी बैंड में। जेपी बैंड से मैं लूँगा लेफ्ट हैंड टर्न, मतलब लेफ्ट लूँगा मैं टर्न। पहले यहाँ पे हुआ करती थी उनकी दुकान जो स्ट्रीट फूड की उन्होंने लगाई हुई है। हर कहीं ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, सिर्फ किसके लिए? रोड जो खुद रही है ना, खुदाई हो रही जो रोड की, उस चक्कर में हो रही है और कुछ नहीं है बात बाकी। तो मैंने कहा चलो आज माइक की टेस्टिंग भी हो ही जाए, तो मिलाते हैं आप हम आपको जावेद साहब से। तो गाइस जेपी बैंड से मैं आ चुका हूँ, लेफ्ट टर्न मैंने ले लिया था। ये उनकी घर है, कोठी उनकी, और ये रही उनकी धन्नो एंड ये रही उनकी गाड़ी, ओ फूड वैन। शेफ नमस्कार, हाथ तो मिला दो। कैसे हैं आप? तो ये रही गाइस लोकेशन अपने जावेद शेफ की दुकान की, कभी आके ट्राई करना अगर आप लोकल हो तो। मेरे मतलब बेसिकली जो मेरी यूट्यूब फैमिली आधा, ये उनके डैड है सामने, उनका छोटा भैया है, जो इनका जो मेरी यूट्यूब फैमिली वो बेसिकली वो सारी लोकल ही है। तो आप जरूर आके ट्राई करें, सन व्यू पॉइंट फूड कॉर्नर है ये। बेसिकली जावेद शेफ पहले रहते थे हमारे बड़े बैंड पे, जेपी बैंड में। तो ये रहा उनका अंदर का कुछ ऐसा है, पूरा सेटअप है, वेल है बिल्कुल। तो मियाँ जी बना रहे अभी चाय। तो क्या क्या रखते हो जावेद शेफ आप यहाँ? चाउमीन, मोमो, और मोमोस है, वेज मोमोस है, और बन ऑमलेट है। ठीक, तो आधा यूट्यूब फैमिली आप लोग तो हो ही मेरे, मतलब जो भी यहाँ के लोकल हुए हैं, तो एक बार आके जरूर ट्राई करें, बाद बाकी डिस्काउंट मिल ही जाएगा आपको, ऐसा कुछ नहीं। एक कारण ये था आने का कि मैंने मंगाए थे शेफ नाइफ, मंगाए थे छोटे छोटे, तो मैं इसको दिखाऊंगा आपको घर में, इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा। मैंने 3 नाइफ मंगाए थे इसके, तो मैंने एड्रेस दिया था जावेद शेफ का। बेसिकली इनका नाम क्या, जावेद भी है, सोनू भी है, 2-3 नाम है इनके, और ये रही अपनी धन्नो। अगली जो वीडियो मेरी आएगी वो आएगी मेरी माइक पे आएगी, जो कि मैंने सेट किया है, कैसे कैसे किया है, ये जो माउंट है ये कैसे कैसे मैंने फिट किया, और ये माइक है, मतलब जो यूट्यूब में नया कदम रखने वाला है। तो हमें तो नहीं था नॉलेज, आया हूँ सीधा ड्यूटी से यहाँ, तो मैं बताऊंगा आपको कि मोटो ब्लॉगिंग का 750 रुपये में कैसे सेटअप करे, तो मैं आपको उस पर वीडियो जरूर दिखाऊंगा। मैं सीधा डायरेक्ट ड्यूटी से यहाँ आया हूँ, चेहरा भी नहीं धुला, तो फिर मिलाते हैं आपको आगे। तो अभी आ गई है हमारी चाय, ये फ्री में है, पैसे नहीं देंगे हम इसे है ना, पैसे दो इसके ना, पैसे क्या लेंगे हम तेरे, पक्का चाय पानी तो हमने पी ली। तो अभी हम जाने का हो गया है टाइम, मियाँ जी को करते हैं बाइक, क्योंकि मैं ड्यूटी से आया तो थका रहा हूँ। तो आपको दिखाता हूँ सिर्फ डायरेक्ट अनबॉक्सिंग उसकी नाइफ की जो मैंने मंगाए थे। तो चलो सिर्फ आपको मिलाता हूँ मैं आपको डायरेक्ट घर, अगर लोकल तो तुम खैर हो ही, बहुत सारे सब्सक्राइब है जो मेरे, तो जरूर आके यहाँ आके ट्राई जरूर करना खाना कैसा है, डिस्काउंट जरूर मिलेगा आपको, तो एक बार विजिट जरूर करें। तो गाइस मैंने आपको कहा था कि मैं अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा आपको, मैं सीधा ऐसे फाड़ दे रहा हूँ इसका, ये बिलिंग बुलिंग का है, इसको रखते हैं साइड में, और ये रे नाइफ। बट इन्होंने गद्दारी कर दी अमेजोन वालों ने, नहीं गद्दारी नहीं करी, बच गया मैं, 3 आ गए। तो मैं 3 छोड़ो, मैं आपको एक दिखाता हूँ, तो ये रहा गाइस, ये अच्छे हैं, कार्विंग कूर्विंग हर एक चीज, मतलब आप इसे कैरी कर सकते, ऐसे आपका ये हो गया है, और इसका ग्राफिक भी है ये अप डाउन करने के लिए, ये चीज
और लटकाना हो आपको तो आप इसको ऐसे ऊपर सकते हो, और धार लगाने के बाद और अच्छी लग हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से दिखता है ये। तो गाइस कुछ ऐसे दिखता है, हालांकि आपको ब्लॉग में बहुत बड़ा दिख रहा है बट है बहुत छोटा है। तो ये रे गाइस हमारे तीनों वो चाकू जो मैंने मंगाए थे, बहुत क्यूट से छोटे छोटे। तो गाइस इस ब्लॉग को करते यहीं पे एंड। आई होप यू गाइस आपको पसंद आए हो, तो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।